हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको राम दरबार, यानी अभी नया नया राम दरबार आया है इस मंदिर के अंदर, और उसमें जो मूर्तियां लगी है वो इतनी ज्यादा सुंदर है, आप एक बार देखोगे तो देखते रह जाओगे। दोस्तों चलो, मैं आपको राम दरबार के साथ साथ पूरे मंदिर का दर्शन करवा देता हूँ। दोस्तों चलो चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो हम मंदिर में एंटर हो गए हैं और यह मेन मंदिर है, और जो सामने दिखाई दे रहा है यह सबसे पुराना मंदिर है। दोस्तों जब यह मंदिर बना था तब काफ़ी छोटा था और अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है दोस्तों, और इसमें जो हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है वो भी काफ़ी पुरानी है दोस्तों, आप देख सकते हो। दोस्तों अब तो इस मंदिर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मंदिर और बन गए हैं, वो सभी मंदिर आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो माता शेरावाली का मंदिर अभी बना है, ये नया है बिल्कुल, और इसमें जो माता शेरावाली की मूर्ति लगी हुई है वो भी इतनी ज़्यादा सुंदर है दोस्तों, आप देख सकते हो। और ये हनुमान जी की दो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, यहाँ पे सिंदूर लगा हुआ है, यहाँ से तिलक लेने के लिए हम यहाँ से तिलक लगा सकते हैं। और ये साइड में आप देख सकते हो दोस्तों, साइड में भैरवनाथ जी का मंदिर है, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। और ये साइड में जो राम दरबार लगा हुआ है यह बिल्कुल नया है, यह सबसे नया यही राम दरबार है, और इसके साथ एक भोलेनाथ की भी मूर्ति बहुत ज़्यादा सुंदर लगी हुई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हो ये राम दरबार कितना सुंदर है, मैं ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ कितनी सुंदर यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई है। दोस्तों यह मंदिर श्री गंगानगर के पास एक गांव में 15 जेड, और 15 जेड में जब हम इंटर होते हैं तो इंटर होने से पहले सबसे पहले यह मंदिर ही आता है। और दोस्तों वहां पे सामने आप देख सकते हो वहां पे अंजनी माता जी का मंदिर है और शिव जी का मंदिर है, मैं आपको करीब जाके दिखा देता हूँ। दोस्तों इससे पहले मैं आपको जो नया शिव जी की स्टेचू लगी है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर भोलेनाथ जी के ऊपर 24 घंटे पानी गिरता रहता है और काफी सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, आप भी यहाँ पर जरूर आइएगा, काफी सुकून मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हो कितनी सुंदर भोलेनाथ जी की स्टेचू लगी हुई है। और अब हम अंदर चले जाते हैं और मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, श्री सलासर दरबार है, अंजनी माता जी का दरबार है, और श्री शिव परिवार है, शिव परिवार का भी मंदिर आपको दिखाऊंगा। और वॉल पेंट भी काफ़ी अच्छी हो रखी है मंदिर में, मैं आपको अच्छे से यहाँ से दिखा देता हूँ कि मंदिर का दृश्य किस प्रकार से दिखाई देता है, आप देख सकते हो दोस्तों। और अब हम अंदर चलते हैं, और दोस्तों आप देख सकते हो ये श्री सालासर बालाजी का दरबार है, और पहले यह नॉर्मल पेंटिंग थी लेकिन अब भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर पेंटिंग कर दी है यहाँ पे। अब मैं आपको अंजनी माता जी का मंदिर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे अंजनी माता जी ने हनुमान जी को गोद में उठा रखा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी पुरानी है दोस्तों। अब हम फिरनी दिखा देते हैं, इस पूरी फिरनी में गद्दे लगे हुए हैं, सर्दी में भी अगर कोई फिरनी लगाता है तो गद्दे हैं अच्छे से लगा सकता है। और ये शिव जी का मंदिर है, अभी मंदिर बंद है, मैं आपको इसी चैनल पे अंदर से भी दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन अभी ये मंदिर यहाँ से बंद है, मैं आपको बाहर से ही दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हो दोस्तों ये गणपति परिवार है, और ये भोलेनाथ का है, और ये भोलेनाथ की बॉल पेंट भी लगी हुई है, काफ़ी सुंदर लगी है, ये अभी लगी है दोस्तों, ये नई है,
सरलासर बालाजी का दरबार भी इसी के साथ पेंट हुआ था। पहले सरलासर बालाजी की नॉर्मल पेंटिंग थी, लेकिन अब काफ़ी स्टाइलिश हो गई है, और ये वॉल पेंट भी अभी हुआ है। अब मैं आपको रामदेव जी बाबा का मंदिर भी आपको दिखा देता हूँ। हम इधर से चले जाते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों, रामदेव जी बाबा का मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना है। यह मंदिर भी अभी बना है और देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सुंदर है। दोस्तों अब इस प्रांगण में काफ़ी मंदिर हो गए हैं, काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ पे आके। दोस्तों आप देख सकते हो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।